आराध्या और माला दोनों अमीर गरीब सहेलियां थी। आराध्या एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और माला एक गरीब मजदूर की बेटी। माला बहुत भोले स्वभाव की थी। उसे लगता था कि आराध्या अमीर होकर भी उसकी सहेली है, जबकि ऐसा नहीं था। आराध्या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही माला के साथ रहती थी। माला, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और तू जानती है ना, मेरी कॉलेज के बहुत से प्रोजेक्ट करने अभी बाकी रह गए हैं। क्या आज तू अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर मेरे प्रोजेक्ट पूरे कर देगी? 2 दिन बाद तो मेरी भी परीक्षाएं हैं, मुझे भी तो तैयारी करनी है। प्लीज, तू तो मेरी अच्छी सहेली है ना, अपनी सहेली के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, कर दूंगी। अक्सर ही ऐसा होता था। आराध्या माला के साथ अपनी दोस्ती का बहुत फायदा उठाती थी। माला भी सीधेपन से उसके सारे काम कर देती थी। इस वजह से कई बार माला की खुद की परीक्षाएं भी अच्छी नहीं जा पाती थी। क्या बात है माला, तुमने अपने सारे लेक्चर छोड़ दिए? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे कॉलेज का ये लास्ट ईयर है, तुम्हें इसलिए ज्यादा मेहनत करनी है और तुम इस बार की परीक्षाओं में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई हो। सॉरी मैम, इस बात का मैं ध्यान रखूंगी कि मैं अगली परीक्षाएं अच्छे से दे सकूं। माला को पता था कि उसकी परीक्षाएं अच्छी ना जाने का कारण क्या है, पर वो अपनी दोस्ती के नाते चुप रहती है। माला, तू आराध्या के सारे काम करती है, देखा, इसी वजह से तेरी परीक्षा में कितने कम नंबर आए हैं। अरे तू उसे बोल दिया कर कि तेरी अपनी भी पढ़ाई है, ये थोड़ी है कि तू उसके काम करेगी और अपना छोड़ देगी। माँ, आराध्या मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानती है और फिर एक दोस्त की मदद करना तो एक दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। कोई नहीं, मैं इस बार ज्यादा मेहनत कर लूँगी। माला इस बार पास तो हो जाती है, पर उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला था। आराध्या भी इस फैशन शो का हिस्सा बनकर इस फैशन शो को जीतना चाहती थी, इसलिए वो सबसे स्पेशल दिखने के लिए तैयारी कर रही थी। पापा, फैशन शो में जिसका लहंगा सबसे बेस्ट होगा उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैं चाहती हूँ मेरा लहंगा सबसे सुंदर और स्पेशल दिखे। पापा, क्यों ना आप मेरे लिए सोने का लहंगा बनवा दो, बस फिर तो देखना किसी की भी औकात नहीं है कि मुझसे जीत जाए, क्योंकि सोने का लहंगा सिर्फ मैं ही बनवा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, जो तुम चाहती हो वैसा ही लहंगा बनवा लो। सोने का लहंगा बनवा कर दे रहे हो? अरे बहुत महंगा बनेगा। तो क्या हुआ आराध्या की माँ, हमारी बिटिया कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली जाएगी, अभी तो शादी से पहले इसके पास मौका है इस तरह के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। कोई नहीं, जा बिटिया, तुझे जैसा सोने का लहंगा बनवाना है बनवा ले, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है पापा। अगले दिन माला और आराध्या बातें करते हुए जा रही थी, तभी बातों ही बातों में आराध्या को पता चलता है कि माला भी इस फैशन शो में हिस्सा ले रही है, तो वो जोर जोर से हंसने लगती है। तू और कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेगी? रहने दे, तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तू लहंगा खरीद सके। ये कॉम्पिटिशन ना हम जैसे अमीरों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। एक सेकंड, बुरा मत मानना, मैं जो बोल रही हूँ ना बिल्कुल सच बोल रही हूँ। कॉम्पिटिशन में सबको बढ़िया लहंगे पहनने हैं और तुझे पता है मैं पहले ही सोने का लहंगा खरीद चुकी हूँ, तो कॉम्पिटिशन में दूर दूर तक कोई नहीं है जो मेरी बराबरी करेगा। तू मेरी सहेली है इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तो इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा मत ले। वो तो ठीक है, पर माँ का मन है कि मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूँ। वो मेरे लिए बहुत सुंदर लहंगा तैयार करने में मेरी मदद कर रही है। मैं लहंगा घर पर ही सिल रही हूँ। क्या, तो लहंगा घर पर ही सिल रही है? रहने दे, कोई फायदा नहीं है, घर पर सिले हुए लहंगे वालों को तो एंट्री भी नहीं मिलने वाली। अच्छा मैं जा रही हूँ, तो शाम को घर पर आ जाना, मुझे लहंगे के साथ की ज्वेलरी लेने जाना है। माला का मन थोड़ा खराब हो जाता है और वो घर जाकर उदास हो जाती है।
अरे माला तू आ गई। देख मैंने सोच लिया है कि तू इस फैशन शो में घास का बना हुआ लहंगा पहनेगी। घास का लहंगा बहुत सुंदर बनेगा। मैं तेरे लिए घास का लहंगा तैयार करने में मदद करूंगी। तू जल्दी से जाकर बगीचे में से ढेर सारी घास तोड़ लाना और बड़ी बड़ी घास लाना। अरे क्या हुआ माला, मैं कुछ बोल रही हूँ। माँ मैं इस कंपटीशन को नहीं जीत पाऊंगी, मुझे पता है। फिर मैं बेकार नहीं मेहनत करूंगी। आपको पता है आराध्या ने सोने का लहंगा खरीदा है और उसका लहंगा बहुत सुंदर है। वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैं घास का लहंगा पहन कर जाऊंगी तो। माला अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम दुनिया को जीत सकते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। हार और जीत कुछ नहीं होती, प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही बड़ी बात होती है। और तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। हार और जीत का फैसला तुम लेना छोड़ दो, बस तुम अपना 100% दो। अपनी माँ की बातें सुनकर माला में हिम्मत आती है और वो अपने लिए घास का लहंगा तैयार करना शुरू करती है। फैशन शो आने तक माला अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत बढ़िया घास का लहंगा तैयार कर लेती है। जब आराध्या फैशन शो वाली जगह पर पहुँचती है तो माला वहीं पर खड़ी हुई थी। माला का लहंगा बहुत ही अलग डिजाइन का था। माला के लहंगे को देखकर आराध्या के साथ की और भी लड़कियाँ हंस रही थी। माला तूने ये क्या पहन लिया, तू तो बिल्कुल तमाशा लग रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। अब मेरे से दूर होकर चल, मैंने सोने का लहंगा पहना हुआ है। तेरा घास का लहंगा मेरे सोने के लहंगे को खराब कर देगा। चल दूर हट। ठीक है आराध्या, फिर मैं अंदर चली जाती हूँ। मैं तो गेट पर तुम्हारा वेट कर रही थी। सभी लड़कियाँ बहुत पैसे वाले घर की थी। खासकर आराध्या का जो लहंगा था वो तो सोने का बना हुआ था। सबने पक्का यकीन कर लिया था कि प्रतियोगिता का फर्स्ट प्राइज आराध्या ही जीतने वाली है। फैशन शो स्टार्ट होता है। एक एक करके सारी लड़कियाँ स्टेज पर पहुँचने लगी। आराध्या का नंबर आया तो वो भी स्टेज पर पहुंची। उसके बाद माला की बारी आती है। माला अपने घास के लहंगे को पहनकर स्टेज पर पहुंचती है तो जज माला की क्रिएटिविटी को देखकर चौंक जाते हैं। सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी होती है, जिनमें माला भी खड़ी थी। मुझे तहे दिल से ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर जितने भी जज आए हुए हैं उन्होंने इस फैशन शो प्रतियोगिता की फर्स्ट विनर चुन ली है। मैं अब उस विजेता का नाम बोलने जा रही हूँ। तो आज के फैशन शो की फर्स्ट विनर है माला। जी हाँ, माला ने इस फैशन शो के लिए जो लहंगा तैयार किया है वो इन्होंने घर पर ही सिला है और इसी वजह से इस प्रतियोगिता की पहली विजेता माला बनी है। माला के लिए जोरदार तालियां। माला को विजेता देखकर आराध्या जल भुन जाती है और फैशन शो छोड़कर चली जाती है। उस दिन जब आराध्या फैशन शो छोड़कर चली गई, तब माला को एहसास हुआ कि आराध्या उसकी खुशी में शामिल नहीं हुई, क्योंकि आराध्या के मन में स्वार्थ था। वो तो केवल माला का इस्तेमाल करती थी अपने काम पूरे करवाने के लिए। माला को पुरस्कार की ट्रॉफी मिलती है। धीरे धीरे माला सफलता की ओर बढ़ने लगती है। माला अपनी मेहनत से आगे तो बढ़ गई थी, पर उसे एक बात का दुख था। उसने अपने जीवन में दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। अरे कविता जल्दी कर, अगर हम इंटरव्यू के लिए एक मिनट भी लेट हो गए ना तो समझ ले ये नौकरी हमारे हाथ से गई। शुभ शुभ बोल, इतनी खोजबीन के बाद तो एक उम्मीद नजर आई है। कविता और प्रियंका बचपन की दो सहेलियां हैं। वो दोनों सहेली होने के साथ साथ एक दूसरे की पड़ोसी भी हैं। हाल ही में दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। दोनों इंटरव्यू देने पहुंचती हैं, जहां टेबल पर बैठा गुलाब चंद दोनों की डिग्रियां देखकर कहता है, काम तो मिल जाएगा मगर आप दोनों को एक जैसी पोस्ट मिलना पॉसिबल नहीं है। प्रियंका, आपकी काबिलियत को देखकर मैं आपको कारखाने का मैनेजर नियुक्त करता हूँ। आपके मार्क्स बेस कम है, आप केवल इस कारखाने के वर्कर की काबिलियत रखती हैं। कविता के घर की माली हालत बेहद बदतर थी, इसीलिए वो वर्कर के तौर पर भी काम करने के लिए हामी भर देती है। जी सर, मुझे मंजूर है। तो फिर सैलरी भी अभी बता देता हूँ।
प्रियंका, आपकी सैलरी प्रति माह 25,000 होगी और मिस कविता, आपकी पगार 5,000 रुपए होगी। कविता मन ही मन बेहद दुखी थी क्योंकि दोनों ने एक ही विषय से पढ़ाई की थी, मगर दोनों की डिग्री में कुछ नंबरों के कारण उनके पद में जमीन आसमान का फर्क आ गया। इस फर्क ने दोनों के बीच अमीरी गरीबी की खाई खड़ी कर दी। दोनों हर एक दिन एक साथ कारखाने में आकर अपना अपना काम निपटाया करती थी। देखते ही देखते एक महीना गुजर गया और दोनों को पगार मिलती है। दोनों पैसे लेकर अपने घर आती हैं, जहां कविता की माँ चंदा कहती है, क्या बात है गुड़िया, तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है, पगार नहीं मिली क्या बेटा? पगार तो मिल गई माँ, मगर जहाँ पगार के रूप में मुझे 5,000 रुपए मिले हैं, वहीं प्रियंका को पूरे 25,000 रुपए मिले हैं, मुझसे 5 गुना ज्यादा। बेटिया, सभी के काम और किस्मत अलग होती है, अब ज्यादा मत सोच, जो मिला हमारी किस्मत। फिर अगली सुबह, अरे कविता जल्दी कर, देरी हो रही है। यकायक कविता बाहर आती है। ओ गॉड, आज तो हम ज्यादा ही लेट हो गए। एक काम करती हैं, कैब बुक कर लेती हैं, आधे आधे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इससे समय से पहुंच जाएंगे। ये सुनकर कविता अपने कदम पीछे करती हुई हिचकिचाकर कहती है, प्रियंका कैब का किराया देने के लिए मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही, 5,000 की पगार घर खर्च चलाने को भी पूरा नहीं पड़ता, तुम जाओ। जहाँ प्रियंका कैब से कारखाने चली जाती है, वहीं बेचारी कविता को कम पगार और चंद सिक्के बचाने के चलते मीलों की दूरी का पड़ाव पैदल ही पार करना पड़ता है। ये पैसे का बल ही था जिसने दोनों के जीवन को अमीरी गरीबी में बदल दिया। हफ्ते महीने और महीने साल भर में बदल जाते हैं। प्रियंका की बेहतर बड़ी पगार से उसका जीवन फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, मगर बेचारी कविता की महीने भर की कमाई पेट पालने में ही चली जाती है, जिसके चलते उसके पास ना तो सेविंग्स होती है ना ही पगार से एक पैसा बचता है। कुछ समय बाद ही दोनों सहेलियों की शादी तय हो जाती है। प्रियंका कविता को अपने घर पर बुलाती है, जहां कविता प्रियंका की तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह प्रियंका, तुमने अपने पोस्ट से अपने घर की काया ही पलटी कर दी। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे होने वाले पति बहुत बड़े बिल्डर हैं। अरे एक बार में लाखों की कमाई करते हैं। वैसे चंदा चाची बता रही थी कि तुम्हारी भी शादी तय हो गई है, क्या कहते हैं हमारे होने वाले जीजा जी? उनकी एक किराने की दुकान है और खुद का एक पुराना घर है जहां पूरा परिवार साथ में रहता है। मतलब कि तू शादी के बाद भी एकदम सिंपल से लाइफ जिएगी, तेरा पास्ट और प्रेजेंट दोनों गरीबी बधारी में बीता है। अरे कम से कम शादी तो पैसे वाले घर में कर। अरे कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसका पति सेटल्ड हो, मगर अमीर परिवार में बेटी की शादी के लिए अपने पास भी तो कुछ होना चाहिए। मैंने साल भर जितने पगार में काम किया उससे परिवार चलाना भी बहुत मुश्किल था, ऐसे में अमीर लड़की वालों की लाखों के दहेज का डिमांड कहाँ से आएगा। गुजरते कुछ समय के साथ दोनों सहेलियों की शादी का समय पास आने लगता है। एक शाम प्रियंका कविता के घर आकर कहती है, कविता जल्दी से रेडी हो जा, फिर दोनों एक साथ शॉपिंग पर चलेंगे। शॉपिंग अभी? हाँ अभी, आज ही। अरे बुद्धू, तेरी और मेरी शादी में सिर्फ 2 दिन का समय ही बचा है, अभी से शादी की शॉपिंग करना शुरू करेंगे तो अभी शादी के दिन तक भी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा शायद। मगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अरे तो तू थोड़ी खरीदारी कर लेना, कम से कम मुझे शादी की शॉपिंग में कंपनी देने के लिए तो चल। देख मेरे होने वाले पति ने तो शादी से पहले ही मुझे शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड भेजा है। प्रियंका कविता को लेकर एक बड़े से महंगे मॉल में एंट्री करती है, जिसे देखकर कविता मन ही मन कहती है, ये मॉल कितना महंगा है और सामान का दाम तो मानो आसमान छू रहा है।
अरे कविता बता, शादी के बाद ये साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी? अरे मगर ये तो बहुत महंगी है। अरे पागल, मेरे पति पैसे वाले हैं, उनका क्रेडिट कार्ड मेरे हाथों में है, ऐसी सैकड़ों साड़ी भी खरीद लूं तो भी कोई फर्क नहीं। होने वाले पति के क्रेडिट कार्ड के कारण प्रियंका बेधड़क होकर सैकड़ों महंगे सामान की शॉपिंग करके कहती है, अरे कविता तूने तो कुछ खरीदा ही नहीं, तेरे दोनों हाथ एकदम साफ सफाट है, एक काम कर तू मेरे शॉपिंग बैग्स का बोझ उठाने में मेरी हेल्प ही कर दे। कविता का मन रास्ते भर घंघोर गरीबी के कारण कचुट रहा था और वो कहती है, जानती हो प्रियंका, जितने पैसे से तुमने इस महंगे मॉल में शॉपिंग की है उतने में गरीब की बेटियों का बड़े ही धूमधाम से ब्याह हो जाता। कविता अब मैं अमीर घराने की बहू बनने वाली हूँ, जितने की मैंने शॉपिंग की है ना उससे ज्यादा तो महंगा मेरा लहंगा है, राजीव खुद मेरा लहंगा लेकर आने वाले हैं। अगले दिन दोनों सहेलियों के ससुराल से उनके शादी के लहंगे आते हैं। पूरा गांव दोनों के लहंगों को देखकर कहता है, अरे दोनों सहेलियों की शादी एक साथ हो रही है, मगर नसीब तो देखो, जहाँ प्रियंका का लहंगा लाखों का है वही बिचारी गरीब कविता का लहंगा उसकी स्वर्गवासी सास की उतरन साड़ी से बना है। नीमा, शादी विवाह किस्मत की बात है, देखना इन दोनों अमीर गरीब सहेलियों का लहंगा आज शादी की शाम इनका लिबास बदल देगा। कविता, कैसा गरीब ससुराल है तेरा जो एक नया लहंगा भी ना ले सका, वही मुझे देख, मेरे ससुराल वालों ने सब्यसाची से मेरा लहंगा डिजाइन करवाया है, तभी तो मेरा लहंगा लाखों का है। प्रियंका के भरे घमंड से ऊंची होते देख कविता कहती है, प्रियंका तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे इस लाखों के लहंगे ने तुम्हारे बोलने का लहजा ही बदल दिया है? ये लहंगा मेरे लिए मेरे स्वर्गवासी सास का आशीर्वाद है, भले ही तुम्हारे लिए इस लहंगे का मोल एक पैसे का ना हो, मगर मेरी निगाह में इसकी कीमत लाखों से भी ज्यादा है। शादी के उस रोज के बाद से कविता प्रियंका से दूरियां कर लेती है, दोनों की शादी हो जाती है और वो अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करती हैं। कुछ महीने की मेहनत से कविता का जीवन फर्श से अर्श पर पहुंचता है। फिर एक शाम, कविता मैं कुछ लाया हूँ। अजी क्या लाए हैं? अरे ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। कुछ देर के बाद, अब आंखें खोलो। जब कविता आंखें खोलती है तो उसके सामने गुलाब का एक सुंदर सा चमचमाता हुआ लहंगा होता है। अरे ये गुलाब का लहंगा तो बड़ा ही महंगा लग रहा है। पूरे 5 लाख का पड़ा है, इसमें गुलाब के साथ साथ सोने की तारे जो जड़ी हैं। मगर इसकी जरूरत क्या है? कविता, शादी के समय मेरा बजट बेहद खराब था, इसलिए मेरे पास महंगा लहंगा खरीदने का पैसा नहीं था, इसलिए शादी में तुम्हारा शौक पूरा ना हो सका, मगर तुमने मेरे जीवन में आकर काया पलट कर दी। आज कविता के पास प्रियंका से भी महंगा लहंगा था, मगर फिर भी उसकी आंखें घमंड से चढ़ी हुई नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर शौक के साथ सब्र भी था। एक वक्त में जो जीवन प्रियंका ने जिया आज वो कविता जी रही थी, मगर आज प्रियंका के जीवन का पड़ाव पहाड़ सा हो गया था, क्योंकि उसके अमीर पति का कारोबार कर्ज में डूब चुका था, जिसके चलते उसे अपने लाखों का महंगा लहंगा भी बेचना पड़ा। ये सच है साथियों कि समय बड़ा बलवान है, ये कब क्या कर जाए कोई भी नहीं जानता। फिर क्या, उस दिन के बाद से कविता अपने पति के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक गांव में वीरेंद्र और ईशानी नाम के दो भाई बहन साथ में रहते थे। वीरेंद्र और ईशानी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उन्हें अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। वीरेंद्र दिन रात काम करता, तब जाकर उन्हें एक समय का खाना मिलता था। जैसे तैसे वीरेंद्र ने अपनी बहन ईशानी को पाल पोस कर बड़ा किया था।
वो शहर के एक नामी कॉलेज में उसका दाखिला करवा देता है। उसी कॉलेज में ईशानी की मुलाकात ऋषि नाम के एक लड़के से हुई। ऋषि एक बहुत ही नेक और हैंडसम लड़का था, साथ ही वो बहुत अमीर भी था। दोनों पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ईशानी, हम कब तक ऐसे ही मिलेंगे? मेरी माँ मेरी शादी कराना चाहती है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईशानी, और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषि, पर क्या ईशानी, तुम चुप क्यों हो गई? ऋषि, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और तुम एक अमीर घर से हो। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो मेरे भाई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दहेज दे सके। तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं सबको मना लूँगा। मैं तुम्हारे भाई से भी बात कर लूँगा, और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। अगले दिन ऋषि अपने घर वालों को शादी के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ ईशानी भी वीरेंद्र को ऋषि के बारे में बता देती है, और वीरेंद्र भी ईशानी और ऋषि की शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और शादी का मुहूर्त तय किया जाता है, और सही मुहूर्त पर दोनों की शादी करा दी जाती है। ईशानी अब अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ईशानी के ससुराल में उसका पति ऋषि, उसकी सास और एक छोटी नंद शालू रहती थी। ईशानी के ससुराल में ईशानी के काम से सब लोग काफी खुश रहते थे, बस उसकी नंद शालू थोड़ी नकचड़ी थी। वो ईशानी को उसकी गरीबी के लिए ताना मारा करती थी। एक दिन ईशानी अपने भाई वीरेंद्र से फोन पर बातचीत कर रही होती है। हेलो भैया, कल रक्षाबंधन है, आप आओगे ना यहाँ? हाँ हाँ बहन, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है भैया, मैं इंतजार करूँगी आपका। अरे कर ली भाभी अपने फटीचर भाई से बात? कल तो रक्षाबंधन है ना, कुछ तोहफा लेकर आएगा वो तुम्हारे लिए, या खाली हाथ ही आ जाएगा? मेरा भाई रक्षाबंधन पर मेरे साथ हो, यही मेरे लिए तोहफा है। हाँ बिल्कुल, दिल बहलाने के लिए कुछ भी बोल दो, क्या जाता है? समय तो हो गया है, और देर करूँगा तो ईशानी गुस्सा हो जाएगी, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ लेकर भी जाना चाहिए। क्या ले जाऊँ, वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। चलो देखता हूँ। वीरेंद्र अपने घर से ईशानी के ससुराल के लिए निकल जाता है। उधर ईशानी हाथ में थाली और राखी लेकर अपने भाई वीरेंद्र का इंतजार कर रही होती है। उतनी देर में उसका भाई वहाँ पर पहुँच जाता है। भैया, आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई? बहन, वो थोड़ा काम में फंस गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब तू लड़ना बंद कर और मुझे राखी बांध दे। ठीक है भैया, ये लो। ये ले बहन, तेरा तोहफा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या खाक सुंदर है, ये तो मुझे 200-300 रुपए की कोई लोकल चूड़ियाँ लग रही है। क्या भाभी, ये भी कोई तोहफा है? अरे तोहफा तो मेरे भाई ने मुझको दिया है, ये देखो सोने की बालियाँ हैं, सोने की। और आपके फटीचर भाई ने ये नकली चूड़ियाँ आपको दी हैं? अरे ऐसी चूड़ियाँ तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे तोहफे का ज्यादा मोल नहीं है, लेकिन ईशानी, मैं तेरा भाई होने के नाते तुझे एक वचन देता हूँ कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। ये सब तो बस बहाने हैं। शालू, ये तुम क्या बोल रही हो, तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? वीरेंद्र भैया, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, इसे माफ कर दो। इसको पता नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है, हमारे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं ऋषि, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। अच्छा ईशानी, अब मैं चलता हूँ। भैया थोड़ी देर और रुक जाते, अभी अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो। अरे ईशानी, जब भैया कह रहे हैं जाने को तो जाने दो उनको, वो कभी और आ जाएंगे।
अभी तो हमें भी मंदिर जाना है, भूल गई तुम? जंगल का रास्ता है वो, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। वीरेंद्र सबसे विदा लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ऋषि, ईशानी और शालू मंदिर के लिए निकलते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद वो अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उनकी गाड़ी उस घने जंगल को पार कर ही रही होती है कि तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से कुछ डाकू घेर लेते हैं और उनकी तरफ बंदूक तान कर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है, ये बंदूक है बंदूक, चल फटाफट उतर। और तू सुन क्या रही है, चल तू अपना मंगलसूत्र उतार। और तू तू कान की बाली उतार फटाफट, नहीं तो यही मार दूंगा। नहीं नहीं छोड़ दो हमें, हमें जाने दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओए जो मांग रहा हूँ फटाफट दे दे, वरना तेरी राम कहानी यही खत्म कर दूंगा। भाग्य पूर्वक उसी जंगल से वीरेंद्र भी गुजर रहा होता है, तभी उसकी नज़र उन डाकुओं पर पड़ती है जिन्होंने ईशानी, शालू और ऋषि को पकड़ रखा था। ये देख वीरेंद्र चौंक जाता है, फिर वीरेंद्र तुरंत उनको बचाने के लिए डाकुओं की तरफ भागता है और उन डाकुओं से गिर जाता है। ओ आए, अरे बचाओ हमें, अरे छोड़ो हमें, अरे बाप रे भागो यहाँ से। उसके बाद वो डाकू जल्दी से वहाँ से भागने लगता है और वीरेंद्र बहादुरी के साथ लड़ते हुए उन दोनों डाकुओं को भी वहाँ से खदेड़ देता है और सबकी जान बचा लेता है। भैया आज आपने तो हमारी जान बचा ली, अगर आज आप ना आते तो अनर्थ हो जाता। अरे मैं कैसे नहीं आता, मैंने तुझको वचन दिया था कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा, मुझे वो वचन तो निभाना ही था। भैया आप तो घर के लिए काफी पहले निकल चुके थे, फिर आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब मुझे पता है, भैया पैदल ही घर जा रहे थे। क्या पैदल, पर क्यों? क्योंकि इनके पास किराए के पैसे नहीं थे, मुझे चूड़ियाँ देने के लिए इन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। शालू भले ही तुम्हारे भाई ने तुम्हें सोने की बालियाँ दी, लेकिन मेरे भाई ने तो अपनी सारी जमा पूंजी ही मुझे दे दी। अब बताओ किसका तोहफा ज्यादा कीमती है? भाभी मुझसे गलती हो गई, मैं सब कुछ पैसों से तौल रही थी, जबकि रक्षाबंधन का मतलब ये है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे। अब आगे से कभी भी मैं पैसों को लेकर आपको नीचा नहीं दिखाऊंगी, मुझे माफ कर दो भाभी। चल थोड़ी देर बाद ही सही, पर तुझे अकल तो आई। फिर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।